ग्रामोदय से भारत उदय, एक ऐसा अभियान जो बदलेगा गांव की तस्वीर। पढ़ा लिखा गांव, पर्याप्त रोशनी, कृषि की अच्छी पैदावार और साथ में सामाजिक समरसता और भाईचारा जो हमारे देश की पहचान है। गांव बदलेगा तो देश बदलेगा, गांव सुधरेगा तो देश सुधरेगा। इसी संकल्प के साथ 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 के बीच केंद्र सरकार, राज्यों और पंचायतों के सहयोग से ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का आयोजन किया गया। गाँव में अगर आबादी की दृष्टि से बात करें तो 80 करोड़ से अधिक लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गाँव को जो फोकस आज़ादी के समय दिए जाने के बाद गांधी जी करते थे, उन्होंने इसी फोकस को करने के लिए कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। यदि भारत को बेहतर बनाना है तो गाँव को बेहतर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये बात बीच में लोग भूल गए, विस्मृत हो गए। बीच में आप देखेंगे कि APJ कलाम जी ने एक योजना लाई थी पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन डेवलपमेंटी टू रूरल एरिया, उसमें उन्होंने कहा था कि गाँव को शहर बनाइए और इस तरह से एक विकसित भारत का सपना जो 2020 का उनका विजन था उसमें साकार किया जा सकता था, लेकिन वो भी बात बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। बहुत खुशी होती है कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस बात को संज्ञान में लिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने महसूस किया है बहुत संजीदगी से कि बिना गाँव को विकसित किए भारत को विकसित नहीं किया जा सकता। अभियान का लक्ष्य समस्त गाँवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके सामाजिक सद्भाव बढ़ाने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास करना है। इस योजना में जो सबसे बड़ी चीज है कि अभी लोग गाँव में जाएंगे, अभी जैसा 24 अप्रैल का कार्यक्रम है कि उस दिन सभी ग्राम सभाओं में लोग बैठेंगे, देश के प्रधानमंत्री ग्रामवासियों को संबोधित करेंगे और उन परिस्थिति में कहीं ना कहीं से इन सारी योजनाओं पर चर्चा होगी। चाहे ई मंडी की बात है, चाहे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की बात है, चाहे जैविक खेती की बात है, चाहे प्रधानमंत्री जी के द्वारा अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी कृषि फसल बीमा योजना की बात है, ऐसी दर्जनों योजनाएं, चाहे टपक सिंचाई योजना की बात है, ये सारी योजनाएं अभी लोगों के संज्ञान में आएगी, लोगों को पता चले कि सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, लोग जब उसको जानेंगे तो लोग उससे जुड़ेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान में कई मंत्रालय मिलकर ग्रामीण विकास का रास्ता प्रशस्त करेंगे, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में ग्रामीण डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान करेंगे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने का संकल्प भी लेंगे। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की विभिन्न स्कीमों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने बात रखी है कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे और ग्रामोदय और भारत उदय को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बैरियर है इसको समाप्त करेंगे। धीरे धीरे स्मार्टफोन्स और एंड्रॉयड फोन्स लोगों के पास बढ़ रहे हैं, इंटरनेट तक भी लोगों की पहुंच बढ़ रही है। जरूरत यह है कि उस इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किसान अपनी फसलों के हित में कर सके, अपने उत्पादों की मार्केटिंग में कर सके। ग्रामोदय अभियान के तहत कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा, किसानों को फसलों और जैविक खाद की जानकारी दी जाएगी, साथ ही उन्हें यह भी बताया जाएगा कि वो कम सिंचाई करके भी उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का असर आने वाले दिनों में दिखेगा, ग्रामीण भी अपने विकास को महसूस करेंगे। ग्राम किसान सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा, उनको ये समझाया जाएगा कि देश के आर्थिक विकास में वो तभी अपना सहयोग दे पाएंगे जब वो जागरूक होंगे और सहभागिता को बढ़ावा देंगे। ग्राम किसान सभा कार्यक्रम का लक्ष्य कृषि को बढ़ावा देना है। इन सभाओं में कृषि से संबंधित स्कीमों जैसे कि फसल बीमा योजना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, जैविक खाद के फायदों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और कृषि में सुधार लाने के लिए किसानों से सुझाव भी एकत्रित किए जाएंगे।